अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर की शुरुआत आज फिर इंदौर से। हमने 26 जून के बुलेटिन में आपको भाजपा महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर की 3 नंबर विधानसभा से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी का वीडियो दिखाया था। इंदौर नगर पालिका निगम के अधिकारी और कर्मचारी एक इमारत को गिराने पहुंचे, तभी वहां आकाश पहुंचे और अधिकारियों को धमकाने के बाद उन्हें क्रिकेट बैट से मारा। इस वाक्य के बाद आकाश ने बड़ी बेशर्मी से कहा था कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो निगम को उन्हें जानकारी में रखकर ही कोई काम करना चाहिए था। अगर उन्हें दोबारा ये सब करना पड़ा तो वो दोबारा करेंगे। प्यार से नहीं मानेंगे तो मारपीट पर आ जाएंगे। पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर धनादन के तहत कार्रवाई करेंगे। एक बार के लिए लगा कि आकाश युवा है, पहली बार विधायक की जीतने का जोश है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मीडिया आकाश के पिता कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन लेने गया, इस उम्मीद में कि कम से कम वो अपने बेटे की गलती कबूलेंगे। एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में फोन पर कैलाश को शामिल किया गया। पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे की निंदा करेंगे। इस पर निंदा तो दूर, कैलाश ने पत्रकार से ही पूछ लिया कि आप जज हैं क्या। पत्रकार ने कहा कि देश में सिस्टम है, आप किसी पर बल्ला नहीं उठा सकते। तो कैलाश पत्रकार से उनकी हैसियत पूछने लगे, आप चर्चा करेंगे किसी विधायक के बारे में, अपनी औकात देखिए पहले। इस बयान के साथ आप इस जानकारी को रखिए कि कैलाश विजयवर्गीय लगातार बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर बयान देते रहे हैं। सवाल तो मध्य प्रदेश में भाजपा के पोस्टर बॉय रहे शिवराज सिंह चौहान से भी किया गया, लेकिन जो शिवराज एक वक्त कैलाश से लंबे समय तक परेशान रहे, वो आकाश की करतूत पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। खैर, बोल बचन की बात हो गई, अब आते हैं ठोस तथ्यों पर। जिस इमारत को बचाने के लिए आकाश ने बैट उठाया, उसे गिराने का हुक्म उसी नगर निगम ने दिया था जहां दशकों से भाजपा का राज है। इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ भी भाजपा से हैं। और तो और, जब मकान को गिराने का आदेश दिया गया तब भी सूबे में भाजपा की सरकार थी। तारीख थी अप्रैल 2018। क्यों गिराया जा रहा था मकान? ये नोटिस संजय पटेल और अजय पटेल के नाम से निकला था। नोटिस पर नगर पालिका निगम इंदौर के जोन 3 के भवन अधिकारी के दस्तखत हैं। नोटिस के मुताबिक मकान इतना जर्जर हो गया था कि इसके गिरने की प्रबल संभावना है। इस घर में रहने वालों की जान को खतरा है। घर के मालिकों को ये घर खाली करके उसे गिरा लेने को कहा गया था। नोटिस में यह भी लिखा था कि अगर घर खाली ना करने और उसे ना गिराने की स्थिति में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी घर के मालिकों की होगी। नोटिस में बात न मानने पर भवन को सील करने की बात थी। यही वजह है कि आज नगर निगम के कर्मचारियों ने आकाश के खिलाफ प्रदर्शन किया। आकाश विजयवर्गीय बड़ी ठसक से कह रहे थे कि जब मैंने बता दिया है कि घर की स्थिति खराब नहीं थी तो उसे गिराने की क्या जरूरत थी। आकाश किस अथॉरिटी से ये कह रहे थे वही जाने। वैसे अथॉरिटी पर सिर ढूंढने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि उन्हें आकाश को 11 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर में अब बात एक तस्वीर की। आपको अलान कुर्दी याद है, वो बच्चा जिसकी लाश तुर्की में समंदर किनारे मिली थी। वो एक रेफ्यूजी था, परिवार के साथ यूरोप जाना चाहता था एक बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन समंदर ने ऐसा होने नहीं दिया। अलान कुर्दी की कहानी ने खुद को दोहरा दिया है। इस बार अमेरिका में 24 जून को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक नदी किनारे बाप बेटे की लाश मिली। बाप का नाम ऑस्कर अल्बर्टो मार्टिनेज था, उम्र 25 साल, और उनकी बेटी एंजी वलेरिया 23 महीने की। ये दोनों अप्रैल में एल-साल्वाडोर से आश्रय की आस में अमेरिका को चले गए थे। वो सीमा पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 23 जून को वो मैक्सिको के माता मोरस पहुंचे। इसके पार अमेरिका का टेक्सास है। ऑस्कर के साथ बेटी एंजी और पत्नी वेनेसा अवालोस थी। ऑस्कर को उम्मीद थी कि वो अमेरिकी अधिकारियों से मिन्नत करके अपने लिए शरण मांग लेंगे, मगर यहाँ बॉर्डर पर उनके जैसे सैकड़ों शरणार्थियों की कतार थी। ऑस्कर को पता चला कि शरण मिलना तो दूर, असाइलम की प्रक्रिया शुरू होने में भी महीनों लग जाएंगे। ऑस्कर मजबूर थे, उन्होंने सोचा तैर कर नदी पार कर लें और चुपके से अमेरिका में घुस जाएं। अमेरिकी प्रेस में ऑस्कर की पत्नी और एंजी की माँ अवालोस का पुलिस को दिया गया बयान कुछ इस तरह है। पहले ऑस्कर हमारी बेटी को साथ लेकर तैरा, तैरकर उसने एंजी को अमेरिका वाली साइड में पहुंचा दिया। फिर वो तैरकर मुझे लेने लौटा, मगर एंजी ने जब अपने पापा को पानी में वापस जाते हुए देखा तो वो पीछे पीछे आ गई। ऑस्कर एंजी को बचाने गया, मगर नदी की लहर इतनी तेज थी कि दोनों को बहाकर ले गई।
इस तस्वीर की वजह से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की असाइलम पॉलिसी पर बहस चल उठी है। सेंट्रल अमेरिका से खूब सारे लोग बेहतर जिंदगी की आस लेकर अमेरिका द प्रोमिस लैंड आते हैं। इसकी वजह वहां होने वाली हिंसा, अस्थिरता, गरीबी, बेरोजगारी जैसी दिक्कतें हैं। मगर ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने माइग्रेशन पर मुट्ठी बंद कर दी है। अमेरिका ने असाइलम सिस्टम को बेहद सख्त कर दिया है। ऐसे में जो शरणार्थी असाइलम की प्रक्रिया के लिए इतना लंबा इंतजार करने की स्थिति में नहीं होता, वो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करता है, खतरा मोल लेता है और सामने आती है ऐसी तस्वीरें। इंसानों ने देश जिंदा रहने के लिए बनाए थे, उनकी सरहदों पर लगी बाढ़ जब इंसानी जिंदगी के लिए ही खतरा बन जाए तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं।